तेईस घंटे से एक वकील का परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि चार साल पहले उनके घर के एक युवक का अपहरण हुआ था लेकिन आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है तो लखनऊ में तेईस घंटे से वकील का परिवार टंकी पर चढ़ा है यह तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तेईस घंटे बीत चुके हैं लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं उनका कहना है कि एक उनके परिवार का ही युवा कई सालों से गायब है लेकिन अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है तो एक बच्चे समेत छह लोग पानी की टंकी पर यहां पर चढ़े हैं और यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कहा जा रहा है कि पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या की धमकी भी यहां पर दी जा रही है तो परिवार ने पूरी रात टंकी पर ही गुजारी पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन परिवार अब तक पानी की टंकी से नहीं उतरा है वहीं परिवार डीजीपी और सीएम को मौके पर बुलाने की मांग भी कर रहा है